लो वोल्टेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आई क्लास वर्सेस माई फेयर टेक्नोलॉजी। दोनों ही टेक्नोलॉजी एक्सेस कंट्रोल में यूज की जाती है। आइए इनके कुछ डिफरेंसेस जानें। आई क्लास ISO स्टैंडर्ड 15693, 1443A और 1443B को फॉलो करता है, जबकि माई फेयर ISO स्टैंडर्ड 15443A को फॉलो करता है। आई क्लास एक फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी है और आई क्लास को डिज़ाइन किया गया है 1 मीटर तक की रीड रेंज के लिए, जबकि माई फेयर रिस्ट्रिक्टेड है 10 सेंटीमीटर तक। आई क्लास की मेमोरी कैपेसिटी 2K, 16K और 32K बिट्स है, जबकि माई फेयर कैपेसिटी 8K एंड 32K बिट्स है। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से आई क्लास में 1 से 16 सेक्टर होते हैं और ये हर सेक्टर को इंडिविजुअली मैनेज करने के लिए परमिशन देता है। माईफेयर के अंदर 8 से 16 सेक्टर होते हैं जो कि फिक्स हैं, जिसके कारण इसके हर सेक्टर के अंदर कुछ अनयूजुअल ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं। आई क्लास क्रिप्टोग्राफी ऑथेंटिफिकेशन को इस्तेमाल करता है और इसके अंदर ये 64 बिट सीक्रेट कीज के साथ 32 बिट चैलेंजेस के लिए और 32 बिट रिस्पॉन्स के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये डाइवर्सिफाइज कीज का इस्तेमाल करता है। इसमें हैकिंग का कोई भी चांस नहीं होता। माईफेयर के अंदर 2 into 4 8 बिट्स कीज पर एप्लीकेशन एरिया के हिसाब से इस्तेमाल करता है और इसमें कोई म्यूचुअल ऑथेंटिफिकेशन नहीं है। माईफेयर के अंदर हैकिंग का रिस्क इंक्रीज हो जाता है जहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ कार्ड ज़्यादा हो किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन एरिया में। आई क्लास कॉर्पोरेट 1000 फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। ये एक बहुत ही फेमस और सिक्योर टेक्नोलॉजी है और माईफेयर के अंदर सिर्फ कोई भी कॉर्पोरेट फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता है, साथ ही ये सिंपली अपने सीरियल नंबर को शेयर करता है जिसको कोई भी ईजिली कॉपी और मिसयूज कर सकता है। आई क्लास क्रेडेंशियल्स को सिर्फ और सिर्फ HID के रीडर्स या उन कंपनियों के रीडर्स पर इस्तेमाल किया जाता है जिसमें HID आई क्लास का चिपसेट लगा हो। माईफेयर क्रेडेंशियल्स को किसी भी कंपनी के माईफेयर रीडर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आशा करता हूँ आपको हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।